तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका और लगातार आपके प्रश्न TS-46 को लेकर के। मुझे लगता है कि बहुत तेज कौतूहल है पूरे देश में और बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिला है। अगर IIT मेंस एग्जाम में आप अपीयर हुए हैं और आपने इस फॉर्म को भरा है और वाकई में बोर्ड परसेंटेज आपने 68 गेन किया हुआ है, आपको इसके लिए कॉल किया जा रहा है। दैट मीन आपको SSB डेट लिंक सेलेक्ट करने का मौका मिल गया है। मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी एस्पिरेंट हैं, एक कमाल का एक्साइटमेंट है। तो सबसे पहले एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और फिर से एक बार कैप्टन सर आपका स्वागत है। थैंक यू। आज का सेशन सर इसलिए भी खास होने वाला है बिकॉज TS के बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज हैं और लगातार जो हमारे इंटरव्यूज इस समय चले हैं सर, वो हम लोगों ने ऋतिक का इंटरव्यू लिया जो कि अपने आप में बच्चे ने एक एग्जाम्पल सेट किया, जिसमें IIT पटना को कुट करके 10+2 ने भी बीटेक एंट्री में खुद को इन्वॉल्व किया सर। आज मुझे बड़ी खुशी हुई सर, जब मैं मॉर्निंग में आज ऑफिस में बैठा था तो मेरी 2-3 बच्चों से मुलाकात हुई सर, और उन बच्चों ने HBTI दैट मीन उन्होंने IIT मेंस में अच्छी रैंक गेन की और उन्होंने कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है। उन्होंने कहा सर कि उस वीडियो को देख के हम इतना इंस्पायर हुए हैं सर कि हम यहाँ आ गए हैं और SSB की ओर जाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि TS एंट्री को लेकर के अब केवल वही बच्चा नहीं एक्साइटेड है सर जो TS के लिए तैयारी कर रहा है, TS को फोकस है, बल्कि जितने भी इंजीनियर हैं और जितने भी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं। बिल्कुल सर। तो सर ये कहाँ तक सही है और क्या ये वाकई में बच्चे कमाल कर पाएंगे सर आने वाले SSB में? सर क्यों नहीं, TS को अगर देखिए सर, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग इन्हीं के लिए अवेलेबल होती है जी। NDA में 4 साल है, इनके लिए 5 साल है, है ना। तो ट्रेनिंग है प्लस इनको BTech की डिग्री भी मिल रही है जी, वो भी फौज की तरफ से, फौज की तरफ। लाइफ सिक्योर्ड है इनकी जी। तो एक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ और जो इनका सोशल एक्सपोजर है, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइफ है, सारी चीजें देखते हुए बहुत सारे यंगस्टर्स का अट्रैक्शन ये एंट्री बन गई है जी। और बड़ा तगड़ा एक्साइटमेंट है, मतलब आई वाज नॉट रियली अंडरस्टैंड कि बच्चे ने कहा सर जब IIT कोई छोड़ सकता है सर, हम तो सर जो है AIEEE दैट मेन स्टैंडर्ड में है सर, हमें नीट छोड़ने में क्या दिक्कत है सर, हम छोड़ भी सकते हैं और आके अपना पैशन दिखा भी सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर उनके अंदर जज्बा बहुत है, बस दिक्कत ये थी कि उनको वो प्रेरणा नहीं मिल रही थी, इंस्पिरेशन। तो मुझे लगता है कि जो स्पीच इंटरव्यूज हुए हैं उनमें उन लोगों ने देखा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहली बात की सर, TS के बच्चों का डेट वगैरह सब क्लियर हो चुका है और शेड्यूल थोड़ा इनको बता दो सर। तो 18 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक बहुत फास्ट प्रोसेस है, इस समय लकली अपने यहाँ भी काफी दबाव है क्योंकि बैचेस में बच्चे पूरे भारत से पहुंच रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और बड़ी ही पॉजिटिव आज से बड़ी पॉजिटिविटी के साथ बच्चे बढ़ रहे हैं सर। ऑब्वियसली लास्ट बैच जो इनका है वो 12 जनवरी से 16 जनवरी और पहला बैच सर 18 दिसंबर से 22 दिसंबर है सर। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जुड़ सकते हैं हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं सर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सर। अभी जो कुछ समय इधर इनको मिल रहा है, इट्स वेरी ट्रू कि इनको एकेडमी के साथ जुड़ना है, काम करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, बट ये सेल्फ वर्क ऐसा क्या करें सर जिससे कि SSB के लिए खुद को और बेहतर कर पाए? सर देखिए, दो चीज इस एंट्री के साथ जो मसला रहता है, एक तो इनका OIR बहुत मायने रखता है जी। TS प्लस 10+2 एंट्री जो है इसमें OIR की एक्सपेक्टेशन हमेशा अच्छी रखी जाएगी जी। अच्छा, इसमें होता क्या है कि यंगस्टर्स ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 2 साल तक उसी के अंदर उलझे रहते हैं, IIT के लिए अप्रोच करना है इन्हें, सारी साइंस बैकग्राउंड से हैं, सारे साइंस, और इनका जो बाकी चीजें हैं ना, बाकी एक्टिविटीज ये कम कर देते हैं जी। बिल्कुल। इस एंट्री में आप देखिएगा सर, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं ज्यादा करने वाले मिलेंगे, NCC तो नहीं किया होगा इन लोगों ने क्योंकि सब पढ़ने वाले थे जी। और इसके साथ साथ इनका IQ लेवल जी थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, ये जायज बात है कि वो सब्जेक्टिव ज्यादा हो गया, सब्जेक्टिव ज्यादा, तो दिमाग खुलना बंद हो जाता है, और जबकि इन्हीं से सबसे ज्यादा जरूरत होती है जी, क्योंकि आप टेक्निकल एंट्री के लिए आ रहे हैं तो एक टेक्निकल इंसान का जो IQ होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो फॉर देम इट शुड बी 1 or 2, उसके ऊपर ये घर पे बैठ के मेहनत कर सकते हैं। यहाँ आएंगे तो इनको इंडिविजुअल गाइडेंस तो मिल ही रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ आने से पहले अगर आप थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं या साथ साथ में उसको वर्कआउट करते रहेंगे तो उसका एडवांटेज इनको मिलता है। बहुत बढ़िया, जैसे सर ने शेयर भी किया और सर लगातार बच्चे प्रश्न भी कर रहे थे, बड़ा क्वारी कर रहे थे, इंटरव्यू डेट्स की लिंक आ चुकी है आपकी, तो फटाफट लिंक को जो है आप अपडेट कर सकते हैं। आप दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप डेट्स जहां पे अवेलेबल होती है वहां पहुंच जाएंगे। उसमें आपको बैंक डिटेल फिल करनी होगा, पहले बच्चों को सर जो है कैश इन हैंड दे दिया जाता जी, बट अभी लकली सिस्टम चेंज हुआ है तो इनसे बैंक डिटेल मांगी जाती है जिसमें इनका अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बेनिफिशियरी नेम और कुछ डिटेल लिए जाते हैं जिसके आधार पर इनको जो वहाँ अकाउंट में इनके पैसे वहाँ दे दिए जाते हैं। इसके बाद ही अपने SSB डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। SSB डेट सेलेक्ट करने के लिए सर 1 हफ्ते का समय दिया जाता है,
तो आई थिंक ये विदिन अ वीक वाला टाइम चल रहा है। आई होप कि सबने कर भी लिया होगा, कर लिया बट जो नहीं किया वो भी ना घबराए, कभी कभी बच्चे घबराए मैंने तो किया ही नहीं, जानकारी नहीं हुई, तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके आपको डेट दे देगा और उस डेट पे जाकर बहुत कम सीट्स अभी तो जैसे 400 का इनटेक है जी, तो अब देखिए सर उठा करके वेबसाइट पर ओनली 69-50 ऐसे बचे हुए हैं, बाकी सब लोगों ने ऑलमोस्ट उसको कर लिया है, कर लिया है, तो ये बिल्कुल घबराने की बात, मुझे लगता है सर उन्होंने कर भी लिया है। अब अहम यही है कि ये जो ड्यूरेशन है सर, एक्चुअली आज हम 3 दिसंबर को ये बात कर रहे हैं और ये 3 दिसंबर से लेकर के जो मैं कह लूँ लास्ट बैच जो रहा है 16 जनवरी तक, एक अजीब तरह की कौतूहल है, अजीब तरह की कसमुकस है, आई थिंक बच्चे बहुत पर्याप्त मात्रा में, और सर जो खुशी इस बार की डबल मेरी इसलिए भी है क्योंकि जो इंजीनियरिंग के बच्चे इंटर कर रहे हैं ये शो कर रहा है सर कि वाकई में वो ठीक है इंजीनियर बन रहे हैं पेरेंट्स के कहने पर समाज के दबाव से, बट कहीं ना कहीं सर उनमें डिफेंस का जो पैशन है ना वो बड़ा कमाल का है। ये सर पिछले 5 सालों में अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है यंगस्टर्स के अंदर खास करके, और कुछ तो देखिए ऐसा है कि जो मैसेजेस दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी एक्टिविटीज हुई हैं अभी पीछे 5 सालों में जी, जो हमारा अप्रोच रहा है बैटल फील्ड पर या ऑपरेशनल इलाके में, उसको देख करके यंगस्टर्स को बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबसे बड़ा कारण ये लग रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट जगह है उसके अंदर जी, बिल्कुल जगह है, तो इनको ऐसा लगने लग गया कि सिंस वी आर टेक्निकल, ठीक है जो हम करना चाहते हैं वो तो फौज भी करा रही है। सही बात है। आप देखिए होता क्या सर, देखिए आईआईटी करने के बाद लड़के को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी ये बहुत गारंटेड नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, लेकिन ये सिलेक्शन के बाद आपको वो बीटेक की डिग्री भी मिल रही है और लाइफ लॉन्ग जॉब भी मिल रहा है, लाइफ सिक्योरिटी भी है, तो ये बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा फर्क। सर मैं अभी आप इस पर शेयर कर रहे थे तो अभी कर्नल साहब एक आए थे तो अपने भाई को लेके आए हुए थे, तो ही वाज वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट एक्चुअली वेरी नाइस गाय एंड बट एक्चुअली मैंने देखा कि इतने साल काम करने के बाद आज वो भी खुद से पूछ रहा था कि व्हाट आई डिड इन माय लाइफ, मैंने क्या किया अपने जीवन में, मैं केवल मशीन की तरह गया और एक सिस्टम पे बैठ के मैंने काम किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे एक इनर हैप्पीनेस मिले कि मैंने लाइफ में कुछ किया। फॉर एग्जाम्पल सर हम सब टीचर हैं, हम डेली सर मेहनत करते हैं, बच्चों का निर्माण करते हैं सर, उनकी सक्सेस मिलती है तो ऐसा लगता है कि लाइफ में हम कुछ कर तो पा रहे हैं, जाकर हमारी लाइफ का अर्थ तो है, तो बच्चा भी कह रहा है सर हमने क्या किया है आज तक, कुछ नहीं किया है और अब मैं वाकई में कुछ करना चाहता हूँ, उसने सर ब्रेक लिया है, नाउ इज प्रिपेयरिंग फॉर द टीए, ठीक है बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है सर, कि कोई अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके आए और लाखों में कमा रहा है सर और वो आकर के यहाँ पर सिर्फ इस पैशन के लिए जिए, बहुत मतलब डिटरमिनेशन की जरूरत है और बहुत अच्छा पैशन है उसके अंदर। फिर अच्छा बच्चों में सर बड़ा ये रहता है कि 5 साल का ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है, तो 3 ही सेंटर है सर इनका, एक मऊ हो गया, एक पुणे हो गया और एक सिकंदराबाद हो गया, तीनों सेंटर्स पे इनकी ट्रेनिंग होती है, अलग अलग जो है इनके डिपार्टमेंट वाइज एक तरीके से जो ब्रांच इन्होंने लिया होता है उसके अनुसार ये चले जाते हैं। 1 साल का सर इनका पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग आई में है मिलिट्री अकेडमी में और बाकी 4 साल तो सर एज यूजुअल इनको इंजीनियरिंग प्रोसीजर में जाना ही जाना है। बच्चे प्रश्न करते हैं सर ये जो 5 साल होता है इसमें भी कुछ सैलरी मिलती है, तो इनको मैं बता दूं कि स्टाइपेंड पूरा मिलता है उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ट्रेनिंग भी रहेगी आपकी और सैलरी भी आपके क्रमशः वहाँ पर बनती रहेगी, ये व्यवस्था कहाँ मिलेगी सर। सही बात है सर, आप पढ़ते हुए अपनी इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और पैसा भी ले रहे हैं, ये अलग ही प्लस पॉइंट, लाइफ सिक्योरिटी और भी, लाइफ भी सिक्योर है और आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं। और देखिए सर जब आज लाइफ जो ये यंगस्टर्स को एक चीज समझना होगा सर, लाइफ को आज नहीं देखते हम, सबसे बड़ा मसला ये होता है जब आप 50s-60s में पहुंचेंगे, तब जब आप यू रिटायर एज अ कर्नल फ्रॉम इंडियन आर्मी हैविंग बीटेक डिग्री टीएस एंट्री से आप बाहर जा रहे हैं, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हाथों हाथ आपको लेने के लिए तैयार है, एफकॉन्स जैसी कंपनी आप देखिए सर, एफकॉन ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में तैयार किया है, सही बात, और उनके मेजोरिटी ऑफ ऑफिसर्स जो है फौज से आप फौज से हैं, राइट सर, ठीक है, तो वो आपको पोस्ट रिटायरमेंट जो सेटलमेंट का चांस मिलता है वो बहुत बढ़िया इनको है। सही बात है, मतलब आप कहते हैं ना कि 100% लाइफ सेट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इस एंट्री के साथ ये फायदा है जी। तो मैं एक्चुअली आज का ये एनडीए वाले के साथ क्या रहता है सर जी, ही इज अ सिंपल ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट है ना, सही बात है। अब उसके जब वो रिटायर होंगे तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिलेगा, राइट सर, इनको तब भी टेक्निकल जॉब मिलेगा और इनको कोई भी उस काम के लिए, मतलब इनका बाद में भी स्टैंडर्ड हमेशा बहुत हाई रहेगा, अच्छा रहता है। वेरी राइट सर, वेरी राइट, और एग्जैक्टली ये जो पूरा सेशन ही होता है सर ये मोटिवेशन ही कर रहे हैं हम, बिकॉज बच्चों का यही था सर क्या करें और क्या ना करें, तो भ्रम खत्म करिए, मुझे लगता है कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इन 4-5 दिन की यशस्वी से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। yes. सफलता असफलता वो सेकंड पार्ट है, बट मुझे लगता है कि वो हमेशा कहते हैं ना सर कि लाइफ में एक बार यशस्वी जरूर फेस करना चाहिए इनको। सर देखिए जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वहाँ 5 दिन के,
लाइफ में आगे बहुत कम आएगा। इस एंट्री के साथ एक और बड़ा मसला रहता है सर, देखिए जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बाहर ज्यादा निकलते नहीं है जी। इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है कि इनके इमेजिनेशन कम होने लग जाती है। दे कैन नॉट इमेजिन, दे स्टार्ट डिस्क्राइबिंग थिंग्स, क्योंकि वो दो साल यही करके आ रहे हैं। Exactly. चीजों को डिस्क्राइब किया है, प्रूव किया है, और बस उसके बाद वो, तो इनकी स्टोरी में बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। जब ये स्टोरी लिखते हैं तो कई सारे तो ऐसे होते हैं उनको फॉर्मेटी क्लियर नहीं होता है, और दूसरा कई बहुत सारे मैंने ऐसे यंगस्टर्स देखे जो पिक्चर को डिस्क्राइब करते रहते हैं, विच शोज यू आर लैकिंग इमेजिनेशन इन लाइफ। और जब तक एक विजन नहीं है, दूर तक की सोच नहीं है, इमेजिनेशंस नहीं है, तो आप टेक्निकल फील्ड में भी कभी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतनी दूर की इमेजिनेशंस है ही नहीं। सर एक सॉफ्टवेयर एक सोच ही है, पहले सोच आती है, इमेजिनेशन आती है, तब जाके कोडिंग होती है सर, वो जाके वो चीज क्या होती है, तैयार होती है, तैयार होती है। तो बहुत सही बात कही आपने सर कि विजनरी होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि फौज का पूरा टेस्टिंग ही आपको विजनरी बना देता है, बना देता है बिल्कुल, और वो दिखा देता है कि लक्ष्य पे पहुंचने से पहले लक्ष्य तक आप ब्रेन से पहुंच जाओ, तभी आप उसको एग्जीक्यूट करके वहां तक जा पाएंगे। नहीं बहुत बढ़िया है सर, और टेक्निकली बच्चों का ये भी है कि लाइक इनमें थोड़ा सा डर भी है सर, इससे बता दूं ऑनेस्टली, जैसे मॉक इंटरव्यूज की बात आती थी, डलते हैं सर करंट के रोल को लेकर के, तो किस तरह से सर ये काम करें, और हमारी ट्रेनिंग इनको कैसे मदद करेगी, हमारे मॉक सेशन, हमारे इंटरव्यू की गाइडेंस कि उस पर ये बेहतर कर पाए। देखिए जब तक आपके ट्रेनिंग सेशन में रहते हैं लोग सर, तब तो सुबह इनको जीडी का एक घंटा एक्स्ट्रा मिलता है एसएसबी के पूरे दिन के शेड्यूल के अलावा जी। शाम को इनको करंट अफेयर्स की एक क्लास मिल ही रही है, विच इज सफिशियंट आई बिलीव, कि उतना पता है, नो वन एक्सपेक्ट देम कि भाई वो मास्टर बन करके आ जाए, लेकिन एटलीस्ट यू आर अवेयर, वी से योर जनरल अवेयरनेस नीड टू बी गुड, लाइक दीन दुनिया में हो क्या रहा है अगल बगल ये पता हो एटलीस्ट, है ना। और फिर उसके बाद एक यंगस्टर जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी क्या नया चल रहा है, एटलीस्ट उसको ये पता हो। अब आप ऐसे देखिए सर कि कोई लड़का है जिसको जो साइंस बैकग्राउंड से आया, टीएस एंट्री के लिए आ रहा है, आप उससे एक सवाल कॉमनली पूछ सकते हैं, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, है ना। ये इससे कोई नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना ही है कि आप जो पढ़ के आ रहे हैं उसको कितना आपने फोकस्ड होके पढ़ा है। उसमें मसला देखिए एक ही नहीं है सर, दूसरी चीज क्या आ जाती है, पढ़ाई में सीखने बहुत कम लोग जाते हैं, सच रटने जाते हैं, रटने जाते हैं, ये नंबर की दौड़ जो शुरू हो जाती है कि इतना मिलेगा, इतना ये होगा, रैंक आएगी, तो हमारे जो सीखने का इंटरेस्ट से ज्यादा अच्छा हम उसको सिलेबस बना करके खत्म करना चाहते हैं, उससे वो यंगस्टर आगे चल करके दिक्कत में आएगा ही कहीं ना कहीं। तो इमेजिनेशन आज से बढ़ाएंगे ये लोग, फायदा होगा जी। अब बर्नौलीज थ्योरम अगर किसी ने बता दिया कि ठीक है, एक तो वो यंगस्टर जिसको ये नहीं पता है, तो क्लियर मैसेज ये है कि व्हाट ऑल द अपॉर्चुनिटी हैड बीन गिवन टू हिम, ही हैड मिसयूज्ड दिस, ही मिसयूज्ड दिस, और अगर उसने यूज किया है वो आपको बता देगा, जो पढ़ा है जो सीखा है वो तुरंत बताएगा। अब आपने कहा कि एक दो एग्जांपल बताओ भाई कहाँ यूज हो सकता है ये, तो उसने कहा कि सर ये एरोप्लेन में यूज हो जाएगा, ठीक है एरोप्लेन में यूज हो जाता है, कौन कौन से वर्जन अभी इंडिया में नए आए हैं, तो थोड़ा अपडेट भी हो सकता है ना, कोई आपने आउट ऑफ ऑर्डर उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने इंटरकनेक्ट किया उससे और उसका इंटरेस्ट दिखता है सब चीजों से। तो मतलब ये आश्वस्त इनको हम कर सकते हैं, इफ दे कम फॉर द ट्रेनिंग तो दे गेट सच अ गाइडेंस जहां ये बिल्कुल मोटिवेटेड होंगे और उनको वो इंफॉर्मेशन नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर देखिए जितने भी इंटरव्यू पीछे गए हैं अगर ये बच्चे देखते होंगे तो व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इंडिविजुअल गाइडेंस, वी ऑलवेज स्पीक अबाउट इंडिविजुअल गाइडेंस कि आप जैसे हैं आप वैसे ही आप सेलेक्ट होंगे, आप दूसरे को कॉपी करके सोचेंगे कि नहीं जी मैं उसके जैसा बन जाऊं और फिर सेलेक्ट हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है, आज तक कोई नहीं हो पाया। तो नेवर ट्राई टू कॉपी एनीवन, नेवर ट्राई टू फॉलो एनीवन, जैसे आप हैं आप अपने आप को पॉलिश करिए ढंग से, और अगर सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। अच्छा सर एक प्रश्न इन बच्चों का लगातार और चल रहा था साइकोलॉजी पार्ट को लेकर के जी, सर साइकोलॉजी को लेकर इनको डाउट है कि सर स्टोरी लिखना है, स्टोरी लिखना है इनके दिमाग में ये है, और वैट में सेंटेंस बनाना है, अभी तक सर इनके ब्रेन में एसआरटी में सिचुएशन का रिएक्शन लिख देना है, एसडी में सेल्फ डिस्कशन लिख देना है, इनके दिमाग में केवल सर ये चीज है। तो हम क्या इस दौरान जैसे बच्चों का प्रश्न क्या सर हमारी साइकोलॉजी बदल जाएगी, या उतने दिन में ऐसी क्या ट्रेनिंग होगी सर जिससे हम साइकोलॉजी टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे, जो बच्चों का प्रश्न है। पहली चीज तो देखिए सर ये क्या करते हैं प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ आते हैं जी। फिर मसला वही है कि इमेजिनेशंस है नहीं, तो प्री कंसीव्ड कुछ दिमाग में जो पहले से चल रहा है वही लिखना है इन्होंने आकर के। स्टोरी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन द बैकग्राउंड शोन टू यू,
एंड सेकेंड इज द सिचुएशन गिवन टू यू एंड देयर आर वेरियस सीन्स विच विल बी प्रोजेक्टेड टू देम इन टीएटी. जैसे एक होता है ऑब्जर्वेशन सीन है, परसेप्शन सीन है, इमेजिनेशन सीन है. टीएटी तीनों का मिक्सचर है. सही बात. और जब हम ऑब्जर्वेशन सीन को भी परसेप्शन में डालने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज हो गई, अब वो साफ दिख रहा है, उसके बाद भी ये लोग ना अपनी एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, कुछ नया ही कुछ करना चाहेंगे जिसका बैकग्राउंड से या एक्शन से कोई लेना देना नहीं है. तो ये भी समझ में आ रहा है कि दिस इज कॉल्ड प्रीकंसीव्ड आइडिया. या फिर इनके स्टोरीज ज्यादातर ऑब्वियस आइडियाज के साथ होती है. ऑब्वियस आइडियाज मतलब जैसे ये साइंस बैकग्राउंड के, तो ये साइंस से बाहर नहीं जाना चाहते हैं. ये हर एक चीज भाई ठीक है, आपकी नॉलेज अच्छी है, मगर उससे होने वाला क्या है, किसको फायदा होने वाला है, स्पेसिफिक होकर के बात नहीं करते ये लोग. इनके ज्यादातर लोगों के स्टोरी में आप देखिएगा, ही केम आउट विद एन आइडिया, बात खत्म. व्हाट वाज द आइडिया, नो वन नोस. ही मेड अ प्रोजेक्ट एंड सबमिटेड इट, फॉर विच ही वाज अप्रिशिएटेड, ही गॉट फर्स्ट प्राइज. व्हाट वाज द प्रोजेक्ट, नो वन नोस. तो ये स्पेसिफिक होकर के बात नहीं करना चाहते, ये इनकी स्टोरी में बड़े टीएस वालों के साथ बड़ी दिक्कत आती है. ये तो इनको ये आश्वस्त कर देंगे सर कि ट्रेनिंग में इनको पूरा वो सुधार मिलेगा. हाँ बिल्कुल सर, बाकियों को मिलता है तो इनको भी मिलेगा. और सभी को इंडिविजुअली देखा जाता है. साइकोलॉजी एक मास ट्रेनिंग का पार्ट कभी नहीं हो सकता है. ठीक है, आपको आपके अनुसार ही असेस किया जा सकता है. और ये तो सर बोर्ड में भी है, देखिए ये अपना पीआई की फॉर्म भरते हैं तो आपका साइकोलॉजिकल डोजियर खोलने से पहले आपका पीआई की फॉर्म पढ़ा जाता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं. आप ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं तो आपसे वही एक्सपेक्टेशन है. हम आपसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे, लेकिन आपका आईक्यू लेवल तो अच्छा होना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्र का लड़का है और दिमाग से तेज है, सोचिए कितना जल्दी कोई एक्सेप्ट करेगा उस व्यक्ति को जी. लेकिन अभी एक वो उसके आईक्यू लेवल पे क्वेश्चन मार्क लगता रहा है कि दिमाग तेज नहीं है. दिमाग तेज तो एक्सेप्ट करने में जरूर झिझक होती है, इसीलिए हम लोग वाईआर पर जितनी बात करते हैं तो इतना ट्रेंड बहुत फर्क पड़ता है सर. बिल्कुल निश्चित रहिए, आप सब विल वर्क लाइक दैट. अच्छा सर, एक प्रश्न लास्ट ही है एक तरह से, क्योंकि जीटीओ को लेके बड़ा डर इनमें रहता है. बिकॉज हम जैसे आपने शुरू में कह भी दिया कि बहुत एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटीज नहीं है, स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, तो इनको जीटीओ को लेकर डर होता है कि पूरा ये जो है ग्राउंड का टास्क है पूरा का पूरा. तो सर मैं चाहूंगा कि इनको ये भी आश्वस्त किया जाए और किस तरह से हम ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि ये जीटीओ के प्रति शत प्रतिशत अच्छा कर पाए. सर जीटीओ में इनको दो तीन चीजें, ग्रुप बिहेवियर बहुत जरूरी है. टीएस एंट्री के अंदर सबसे कम देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि सभी इंडिविजुअल में ज्यादा जिए हैं, अपनी किताब अपनी पढ़ाई रात भर वो बैठ के पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन चाहिए तो वो इंडिविजुअल अप्रोच इनका बनी गया है. ये इंटेंशनली नहीं चाहते थे, ये तो बहुत छोटे हैं अभी है ना, इनको पता भी नहीं होगा कि शायद हमारी लाइफ में चेंजेस आ कैसे गए. लेकिन बहुत सारे लोग हैं पढ़ाई की वजह से इंट्रोवर्ट भी हो गए थोड़ा सा जी, है ना, और बोल भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, अपनी बात को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं. और ग्रुप बिहेवियर इनका, ग्रुप में ये एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है इनके साथ, तो वो एक्सेप्टेंस लेवल अच्छा बनाइए. दूसरी चीज, जीटीओ ये दिमाग से गलत फहमी निकाल दें ये लोग कि ग्राउंड पे दौड़ने का काम है या ग्राउंड वर्क है. नहीं, इट इज ऑलवेज जो सिलेक्शन का आधार है दैट इज योर मैन एंड मटेरियल मैनेजमेंट एबिलिटी. तो आप अपने ग्रुप मेंबर्स को अपने जो दिए हुए मटेरियल्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या कैलकुलेशन हैं आपकी, दिमाग से कितना ठीक रहते हैं, और ग्रुप में जब काम करते तब. मुझे लगता है कि सर ने पढ़ा भी दिया है वैसे. मैं इस बहाने इनके प्रश्नों के उत्तर के बहाने इन्हें गाइड भी करा रहा था कि एक्चुअली सर एक टेस्ट का रोल क्या है. आशा करता हूँ वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी. बिल्कुल एवरी मंडे मेरे स्टार्टिंग फ्रेश बैच, स्वागत है आप सबका, तेजी के साथ आइए और ऑब्वियसली इस एकेडमी का, इस परिवार का हिस्सा बनिए और बेस्ट गाइडेंस लीजिए बेस्ट टीचर्स के माध्यम से, जो बिल्कुल दिल से सच्चाई से आपको उन चीज़ों को बताते हैं, उन चीज़ों को गाइड करते हैं जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होती है. और हमारा हमेशा से मानना है कि अगर सच्ची निष्ठा और लगन से हम मेहनत कर रहे हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन तो आपका भी जिम्मेदारी है, और हम दोनों ने अगर ईमानदारी से मेहनत की तो रिजल्ट हमेशा सक्सेस का होगा. और हम प्रूव कर रहे हैं सर लगातार एज पर द रिजल्ट, वन बाई वन धड़ाके से सिलेक्शन चल रहे हैं. तो आई थिंक आपकी मेहनत और हम सबकी मेहनत रंग ला रही है, वो प्रयास हमेशा सफल हो रहा है. तो स्वागत है आप सबका. बिल्कुल फटाफट, अब टाइम बिल्कुल वेस्ट करने का टाइम नहीं है, जितना जल्द आएंगे उतने जल्द हम बेहतर आपको कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. एंड 14 डेज का प्रोग्राम है, बिल्कुल सच है ये प्रश्न बड़ा रहता है, बट आप और 14 डेज रुकते हैं तो हमें कोई चिंता का विषय नहीं है. स्वागत है आपका एमपीएससी परिवार में एक बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर गाइडेंस के. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है सर लास्ट में बच्चों के लिए. विश यू ऑल वेरी गुड लक.
अच्छी मेहनत करिए और यही टाइम है मेहनत करने का। तो देखो वो कहते हैं हमेशा कि विनर्स अवेल द अपॉर्चुनिटी, लूजर्स लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो हारने वाले अवसर का खड़े खड़े इंतजार करेंगे, जब आएगा तब देखा जाएगा। आपके पास ये अवसर है और इसका जैसे आप सदुपयोग कर ले वही डिफरेंस क्रिएट करेगा शायद। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।